इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत संजीदा मौजू, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। हाल ही में कांदा मार्केट को लेकर ए भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की मिल्कियत है का दावा किया जा रहा है, लिहाजा मुतालबा भी पेश किया गया है। वैसे अक्सर हमने सुना है कि वक्फ की मिल्कियत अल्लाह की मिल्कियत होती है और इस पर अल्लाह का हक होता है। मुल्क भर में लाखों करोड़ों ऐसी मिल्कियत है जो वक्फ के मातहत है और अक्सर वक्फ का ईद मुसलमान होते हैं। आखिर हमने क्या क्या नहीं गंवाया, इससे यह भी साबित होता है। आखिर वक्फ मिनिस्टर भी पहली मरतबा मुसलमान को नहीं एक जैन को ही बनाया गया, क्योंकि अकलियतों में मुसलमान, सिख, जैन, पारसी भी आते हैं। तो जाहिर है भाजपा हुकूमत आती है तो मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां भी बनाई जाती है। लिहाजा अब रियासत कर्नाटक हो या दिगर इलाकों में वक्फ प्रॉपर्टियों का जायज़ा लिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वक्फ इदारे को ही हुकूमतों के चंगुल से छुड़ाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की क्लच से, उनकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यह मिल्कियत कौम की होती है तो इसकी देखभाल भी मुसलमानों के मातहत ही हो और इन्हीं के तहत आनी चाहिए। और यह सच्चाई भी है कि मुस्लिम दरगाह मस्जिद की अपनी कमेटियां हो जहां पर मुकम्मल देखभाल इन्हीं कमेटियों की जानिब से होनी चाहिए। पर क्या इसके साथ यह भी सच्चाई नहीं है कि हमारे इख्तियार में किसी भी मिल्कियत को सौंप दिया जाए तो क्या हम इसके काबिल हैं? या जिस अल्लाह की मिल्कियत का वास्ता हम बार बार देते हैं, इसका कोई पास और लिहाज हमें रहता है? हमने तमाम सरहदों को पार किया, माजूर, गरीब, बेबस, बेवा, यतीम सभी का हक मारते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वक्फ की मिल्कियत को बेचकर लाखों करोड़ों की जायदाद अपने नाम करवा दी, या फिर बड़े फाइव स्टार या फिर बड़े ताजिर बने बैठे। कई फाइव स्टार होटल, बड़े मेडिकल कॉलेजेस वक्फ की जायदाद पर तामीर किए हुए हैं। कई बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इन्हीं वक्फ की जायदाद पर खड़े किए गए। और अफसोस के मुस्लिम नाम निहाद सियासी लीडरों ने इस काम को अंजाम दिया। नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, यह हमारी मिल्लत का अफसोसनाक पहलू है कि जिन्हें हम अपना कायद समझते हैं, दरअसल वो मिल्लत को बेचने वाले होते हैं। शायद कोई इसमें अल्लाह का लाल ही होगा जिसने वक्फ की मिल्कियत पर हाथ ना साफ किया हो। अब मामला मस्जिदों का भी यही है। हमने एक अरसे से देखा है कि मसलकी इख्तलाफात ही मस्जिदों का वक्फ के जेरे मातहत जाने की वजह है। खासकर बेलगाम शहर और अतराफ में तो यही वजह है कि किसी और मसलक के मातहत होने की वजह से इख्तलाफात इस कदर बढ़ जाते हैं कि मामला खून खराबे तक पहुंचता है। बेलगाम के कुछ इलाकों में मस्जिदों में मारामारी की वारदातें भी हमने देखी है। आखिर यह मामला वक्फ के मातहत जाता है? अब तुम ही बताओ कि हमने कई मस्जिदों में झगड़ा होते हुए देखा है या नहीं, मारामारी हुई है नहीं? मुश्किल दोनों तरफ है। अगर मस्जिदों को जमातों के जेरे मातहत रखते हैं तो आपसी इख्तलाफात या फिर जमातों में अंदरूनी मसाइल इतने रहते हैं कि आखिर मामला पुलिस थानों तक पहुंचता है, मुकदमे अदालत तक जाते हैं। आप यकीन मानिए, इन्हें इस वक्त कभी हदीस या कुरान के पैगाम याद नहीं आते। भले वो या दो जमाते हो, तीन जमाते, आपसी इख्तलाफात हो, इन्हें एक मोमिन दूसरा मोमिन का आईना है, ये जो है वो पैगाम उस वक्त भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। लोगों को हिदायत या हदीसें सुनाएंगे पर खुद अमल नहीं करेंगे। और उम्मत की या इस दौर के मुसलमानों की बदकिस्मती है मौजूदा हालात में के मद्देनज़र किस कदर हमें एक और मुत्तहिद होकर रहना है, किस कदर साजिशों के जाल सुबह शाम इस मिल्लत के दुश्मन बुन रहे हैं। लेकिन जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, कभी इस बात पर भी तो गौर करें, मिल्लत के नुकसान से इन्हें कोई लेना देना नहीं रहता, इन्हें शर्म हया नाम की चीज नहीं रहती। ये जिम्मेदार तो रहते हैं लेकिन कभी मिल्लत के अंदर इत्तेहाद का जरिया नहीं बनना चाहते। इन्हें परवाह है तो अपनी अना, मस्जिद पर अपने तसल्लुत, अपने मुफाद की। कई मस्जिदें वक्फ के मातहत हैं, मस्जिद पर अब हुकूमतें अपना हक चलाएंगे। क्या यह सही है कि मिल्लत की मिल्कियत का हिसाब किताब किसे कितनी तनख्वाह वक्फ के अफसरान तय करेंगे? कहने का मतलब यह है कि हमने अपना तमाम वकार, रुतबा, मर्तबा खो दिया है। अगर यही मस्जिदों, इबादतगाहों की देखभाल किसी और मजहब का शख्स करे, यह मुनासिब नहीं होगा। इस मुल्क का कानून सभी मजाहिब को अपने तहजीब के साथ जीने का हक देता है। लिहाजा भारत की सबसे बड़ी आबादी को
आपसी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मरकजी इदारे को कायम करे और अपने मसाइल को खुद हल करे, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी नमाजों तुम्हारी इबादतों की तफसीलात किसी और को देने होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।